नीलिमा बेरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएनआई में। जिस तरह से आज रंगीन शाम है, आज शाम सजी हुई है यहाँ पर, एक भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय कलाकारों को लेकर यहाँ पर जो रंगीन शाम है, बहुत अच्छे कलाकार हैं और देश के ही नहीं, देश के अदर देशों के पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जो आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हो? तो ये देखिए, यहाँ पे गोपाल दास निर्माण जी की मेमोरियल सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है अपने परदादा और अपने पिताजी की याद में, जो कि बहुत अच्छे तबला वादक हैं, दिल्ली घराने के अच्छे तबला वादक हैं। वो नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको बुलाते हैं और जो इस्टेब्लिश कलाकार हैं उनका उनका हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य से परिचय कराते हैं लोगों का। तो आज की शाम में उन्होंने एक स्लाइडिंग वीणा का प्रोग्राम रखा है, जो कि जोल वीणा ने करा है और एक विवेक प्रजापति जी ने गाना गाया है, संगीत गायकी की है दिल्ली घराने से, और अब मालती श्याम जी जो बहुत फेमस लखनऊ घराने की कथक डांसर है वो कथक प्रस्तुत करेंगे। मैम, क्या मानती है इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए बात संस्कृत को लेकर? इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्या? इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, अब ये उन्होंने, सूरज जी ने अपनी कोशिश से अपने पैसे लगा कर ये कराया है, अगर हमें थोड़ा सा लोगों की सरकार की मदद मिलेगी तो हम थोड़ा और कर सकते हैं। दिल्ली में फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, साहित्य कला को बढ़ावा देते रहना चाहिए। मैम, क्या आज का जो कार्यक्रम हुआ, कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो कलाकार आए हैं, कहाँ कहाँ देखने मिले? एक कलाकार वो अमेरिका से है, वर्मांट से, उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक कैलिफोर्निया में सुना, वो इतने प्रभावित हुए कि पिछले 10 साल से आकर यहाँ पर स्लाइडिंग गिटार वीणा सीख रहे हैं। एक दिल्ली घराने के इस्टेब्लिश्ड इकबाल अहमद खान साहब हैं, उस्ताद खलीफा हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उभरते हुए शागिर्द हैं, उन्होंने गाया है। और एक मालती श्याम जी, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं, बिरजू महाराज जी, पंडित पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं, वो आज एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी, वो भी काफ़ी इस्टेब्लिश कलाकार, वो कथक केंद्र की गुरु भी हैं।